सो हेलो माय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इथन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी हाउस का एलिवेशन कैसे ऑटोकैड में ड्रॉ किया जाता है। तो एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास होना चाहिए प्लान, एंड ये प्लान तो हमारे पास है ही। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक इस प्लान में प्लिंथ लेवल प्रोवाइड की है। देन यहाँ पर ये डोर एंड ये विंडो है फ्रंट में, एंड फ्रंट में ये भाग भी दिखने वाला है। यहाँ पर भी एक छोटी सी विंडो है। तो गाइज, इसका एलिवेशन कैसे ड्रॉ किया जाता है? ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो इसका एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ से एक गाइडेड लाइन खींचनी होगी और उसी की हेल्प से हम एलिवेशन ड्रॉ कर पाएंगे। तो गाइडेड लाइन खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर लिया, एंड गाइडलाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ में जाकर थर्ड ऑप्शन कंस्ट्रक्शन लाइन का मिल जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड में XL टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं। जैसा कि ये देखो, ये हमारी गाइडलाइन आ गई है। देखो, आपको सिंपली F8 टाइप कर ऑर्थो मोड ऑन कर देना है। सो अब ये वर्टिकल गाइडलाइन आ जाएगी। ओके, तो गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर इनर वॉल की तो गाइडलाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि जो वॉल की थिकनेस है इनर साइड तो बाहर एलिवेशन में दिखेने का नहीं, ओनली कॉर्नर ही दिखने वाले हैं, और ये विंडो ही विंडो एंड डोर और सभी वॉल के ये कॉर्नर्स ही दिखने वाले हैं। नाउ गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर से अपना मेन लेयर चूज कर लेना है, थिकनेस लाइन की चूज कर लेनी है, आपको सिंपली एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको क्या करना होगा, इस लाइन को ऑफसेट देना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लिंथ प्रोवाइड की है ना, तो ये कितनी हाइट आएगी, क्योंकि ये हमने 3 स्टेप दिए हैं, तो इच स्टेप की हाइट है 6 inches, तो ये 6 inch, 6 and 6, तो 6 + 6 + 6 = 18 inches की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें ऑफसेट ओ एंटर एंड 18 टाइप कर देंगे। तो ये हमारी प्लिंथ प्रोवाइड हो गई है। अब आपको क्या करना होगा, इस वॉल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीलिंग हाइट 10 feet की दी है, तो हम क्या करेंगे, एल एंटर एंड 10 feet की हाइट दे देंगे। अब ये भी फ्रंट एलिवेशन में ये पार्ट भी दिखने वाला है, और इसकी भी हाइट सेम 10 feet रहने वाली है, तो इसे हम एक्सटेंड कर देंगे। आपको प्लिंथ लेवल पर एक ओरिजेंटल लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन प्रोवाइड करनी है। अब आपको कॉपी करनी है, सिलेक्ट करना है एंड एंटर देना है। कॉपी करके आप इसे पहले 3 feet की हाइट पर ले ले, ये हमारा सील लेवल बन गया। कॉपी करके आप इसे लिंटर लेवल तक ले लीजिए, 7 feet तक, तो ये हमारा लिंटर लेवल हो गया। अब आपको फिर से यहाँ से ये लेयर सिलेक्ट कर लेना है, एंड रेक्टेंगुलर टूल की मदद से REC एंटर डोर क्रिएट कर लेना है। ये हमारा बन गया डोर इजीली, और रेक्टेंगल की हेल्प से विंडो क्रिएट कर लेनी है, ये हमारी बन गई विंडो। एंड यहाँ गाइज, यहाँ से इसे इस तरीके से जोड़ देते हैं। सो के डोर एंड विंडो क्रिएट हो गए हमारे। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड यहाँ से हमें इसे एक्सटेंड कर देना है, एंड अब इस लाइन की कोई ज़रूरत है नहीं, इसे ट्रिम कर दे। तो गाइस, यहाँ पर हमें स्टेप प्रोवाइड करने हैं। स्टेप के लिए क्या करना होगा, इसे हम ऑफसेट ले लेंगे 6 inches का। यहाँ पर डोर एंड विंडो प्रोवाइड करना है। इसके लिए ऑटोकैड में आपको शायद नहीं पता होगा कि ऑटोकैड में पहले से ब्लॉक डोर और विंडो के एलिवेशन दिए जाते हैं, जो कि आपको मिलेंगे Ctrl+3 टाइप करके, Ctrl+3। जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, और उसमें आपको एल्यूमिनियम विंडो और डोर एलिवेशन मिल जाएगा। एल्यूमिनियम विंडो को यहाँ से ले लेंगे, और डोर को भी यहाँ से ले लेंगे। नाउ गाइस, ये विंडो तो स्मॉल साइज़ की आई है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट
और विड्थ को बजाने के लिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके आपको रेक्टेंगुलर एक दिखेगा, तो इस रेक्टेंगुलर को हाइट प्रोवाइड कर देनी है। ओके, तो हमारी ये विंडो की हाइट हो गई। तो गैस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चार स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड करनी है, तो हम इसके कॉपी कर लेंगे। एंड हाँ, आपको अगर इस विंडो की विड्थ को बढ़ानी है तो यहाँ से भी ऑप्शन आता है, आप इसे विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर तो कॉपी टूल की हेल्प से पी यानी दूसरी। ओके, सो ये हमारी विंडो क्रिएट हो गई है गाइस। अब हम डोर की भी हाइट यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन गाइस इस डोर का हैंडल इस साइड आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एम आई यानी मिरर की हेल्प से इस तरीके से डोर ले लिया एंड फिर मूव करके यहाँ रख। तो गाइस अब कुछ बढ़िया लुक लग रहा है विंडो एंड डोर का। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एक एलिवेशन बेसिक सा दिखने लगा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये स्लैब हाइट भी रहेगी, आपको अगर स्लैब हाइट शो करनी है तो इसे भी हम जनरली 5 इंचेस का स्लैब प्रोवाइड करते हैं, तो इसे ऑफसेट ले लेंगे 5 एंटर। तो ये हमने स्लैब भी प्रोवाइड कर ली। एंड हाँ गाइस, यहाँ पर हमें एक विंडो भी ड्रॉ करनी थी जो कि हम भूल गए, तो उसे फिर से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके विंडो क्रिएट कर लेते हैं। इसे हम मूव करके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कॉपी की। ओके, तो अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गया है। ओके, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर से भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ हमने ये कंस्ट्रक्शन लाइन प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर हमारी ये बालकनी है, तो यहाँ पर बालकनी का ये जो बीम आएगा, यहाँ पर एक बीम आएगा, यहाँ नीचे एक बीम आएगा, तो इसका भी हम प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. यहाँ पर मैं सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा पाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड उसके 3-3 इंचेस या फिर 4-4 इंचेस पर ऑफसेट लेता जाऊँगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्टिकल पाइप प्रोवाइड कर देंगे। एंड इस पाइप को मोर रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोकैड में जो हैच का टूल रहता है उसकी हेल्प से हम इसके अंदर हैचिंग प्रोवाइड कर देंगे। मैंने यहाँ पर डोर एंड विंडो को
भी हैचिंग टूल की हेल्प से हैच कर दिया है, तो अब ये काफ़ी सही दिखने में लग रहा है। अब हम दूसरी सभी वॉल को भी इस तरीके से ही हैच टूल की हेल्प से कलर करने वाले हैं। जब भी मुझे एलिवेशन ड्रॉ करते ये थॉट आया कि क्यों ना मैं स्टेयरकेस वाले पोर्शन में भी कोई एक विंडो या फिर ग्लास का कुछ एलिवेशन क्रिएट करूँ। तो इसके लिए हम प्लान में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि प्लान में एक स्टेयरकेस वाले पोर्शन में विंडो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये विंडो मैंने दिखा दी है एंड अब यहाँ पर XL टाइप करके हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हम एलिवेशन के लिए पहले बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने ये दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ली है एंड इसी आपको ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन जो वर्टिकल पोर्शन दिख रहा है इसी पोर्शन में हमारा है वो ग्लास का एलिवेशन आने वाला है। तो चलिए वहाँ पर भी एलिवेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं सेकंड फ्लोर की लिंटल हाइट से लेकर फर्स्ट फ्लोर की सील लेवल तक। ओके, तो अब यहाँ पर हम 2 इंचेस का ऑफसेट लगा देंगे रेक्टेंगल को, ताकि कुछ रियलिस्टिक फ्रेम जैसा लगे एंड देन उसके मिडल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसके ऑफसेट लेकर यहाँ पर हम स्क्वेयर स्क्वेयर ग्लास जैसा एलिवेशन क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास का एलिवेशन क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें हैचेस देने वाले हैं ताकि ग्लास रियलिस्टिक लगे, और सभी ग्लास हम अलग अलग कलर के प्रोवाइड करने वाले हैं। तो थोड़े ग्लास हम यहाँ पर ब्लू एंड वाइट हैचेस की हेल्प से क्रिएट करेंगे, फिर हम यहाँ पर पिंक, थोड़ा सा पिंक कलर का भी यूज़ करेंगे ताकि ग्लास का कलर कुछ चेंज लगे। एंड देन यहाँ पर हम डार्क ब्लू और वाइट कलर से भी हैचेस करेंगे ताकि सभी ग्लासेस अलग अलग कलर के दिखे एंड हमारा एलिवेशन बेस्ट बने। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एलिवेशन को ड्रॉ कर लिया है। अब इस ग्लास के बन जाने के बाद यहाँ पर मैं पैरापेट वॉल के लिए एक जो कि एलिवेशन रहता है उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लेग्स क्रिएट कर लिया है एंड इसे आप गूगल में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ब्लॉक आप गूगल पर से भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये एक ब्लॉक क्रिएट किया एंड दूसरे सभी की कॉपी करके इस तरीके से रख दूंगा। तो हमारी पैरापेट वॉल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में इस तरीके का एलिवेशन हम देने वाले हैं। ओके, तो अब हम इस पैरापेट के एलिवेशन की कॉपी करके राइट साइड में भी रख देंगे, क्योंकि इस साइड भी मुझे इस तरीके की पैरापेट वॉल देनी है। अब जो यहाँ पर बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वहाँ पर मैं सिंपल वॉल नहीं क्रिएट करने वाला हूँ। नीचे बालकनी में जैसे मैंने वर्टिकल स्टील पाइप प्रोवाइड किए थे वैसे ही स्टील पाइप यहाँ पर, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल स्टील पाइप प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि कुछ हमारा एलिवेशन अच्छे से बन पाए। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि स्टील पाइप को ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन क्रिएट करनी है, देन उसे 2 या फिर 3 इंचेस के ऑफसेट देते जाने हैं। ओके, तो इस तरीके से ऑफसेट लगाकर हमें पाइप को क्रिएट कर लेना है एंड देन पाइप को रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हैचिंग करने वाले हैं, और वो भी डबल कलर वाली ग्रेडियंट वाली हैचिंग करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ब्लैक और वाइट यानी कि ग्रे कलर का यूज़ करके स्टील पाइप भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये स्टील पाइप क्रिएट कर लिए है।
अब यहाँ पर मुझे थोड़ा प्लांटेशन की भी ज़रूरत दिख रही है, तो हम कंट्रोल 3 टाइप करेंगे। जहाँ पर से हमने डोर एंड विंडो लिया था ठीक वहीं पर से नीचे से आपको कार का भी ऑप्शन मिल जाएगा एंड प्लांट्स का भी और ट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये ट्री को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर रख देना है। अब ये तो टॉप व्यू हुआ, हमें एलिवेशन चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके इस ट्राइंगुलर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि 3 से 4 तरह के यहाँ पर है, 2-3 ट्री है और एक ये प्लांट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्लांट का एलिवेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इस तरीके से एक प्लांट से बाकी सारे कॉपी करके आप इस तरीके से प्लांट को यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गाइस प्लांट तो हमारे बन चुके हैं एंड हम साइड में एक कोकोनट ट्री भी मुझे यहाँ पर लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये ट्रायंगल पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर एलिवेशन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये ट्री आ गया है, अब हम इसे यहाँ पर अपने घर के एकदम साइड में रख देते हैं। तो अब ये कुछ बढ़िया लग रहा है, अब इसका लेयर हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो भी ग्रीन कलर का कोई भी लेयर हो तो उसी लेयर में हम इसे सिलेक्ट कर देंगे ताकि इसका कलर ग्रीन हो जाए। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है गाइस। अब बारी है कि बालकनी में रेलिंग्स को फिट करने के लिए, तो रेलिंग्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉक्स है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो आप भी गूगल से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर यह रेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है देन, क्योंकि ये तो मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया था, तो फिर यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पर आपको पुट करने के लिए कंट्रोल वी टाइप करना है। अगर कंट्रोल वी टाइप करके आपको भी रेलिंग्स या फिर किसी भी ब्लॉक इतना बड़ी साइज में आ रहा है अपने प्लान के कंपेयर में, तो आपको क्या करना होगा, इसे स्केल में लाना होगा। स्केल में लाने के लिए आपको SC Enter टाइप करना है, SC Enter एंड देन किसी भी एक पॉइंट में क्लिक कीजिए एंड देन आपको यहाँ पर जो छोटा करना है तो 0.5 या फिर 0.005, अगर बहुत ही बढ़िया हमारा ब्लॉक आया है तो 0.005 या फिर 0.001 भी टाइप कर सकते हैं स्केल का ऑप्शन में। यहाँ पर मैंने इसे स्केल में ले लिया है गाइस, अभी भी एक बार 0.001 का स्केल दे देते हैं तो अब ये शायद ठीक से फिट आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बालकनी में फिट करके कि क्या ये रेलिंग्स बढ़िया, ओके तो ये रेलिंग्स बढ़िया सी आ रही है। अब इसे खाली स्ट्रेच करके हमें कॉर्नर तक ले जाना है। तो यहाँ पर मैंने बालकनी की रेलिंग्स भी प्रोवाइड कर दिए, देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ले लेनी है रेलिंग्स। ओके तो यहाँ पर मैंने बालकनी की रेलिंग्स भी प्रोवाइड कर दिए। अब गाइस अभी भी हमारे एलिवेशन में, वैसे तो हमारा एलिवेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन इसे और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सारी वॉल है और फिर जो बालकनी में जो लिंटर है और वो सभी एलिवेशन है, छज्जा है, वो सभी एलिवेशन में हम कलर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे हैच टूल की हेल्प से यहाँ पर मैंने अपने एलिवेशन में सभी वॉल में कलर भी से कर लिया है। तो अब ये एकदम ब्यूटीफुल अपना एलिवेशन लग रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि इसी एलिवेशन को मैं अब स्केचअप 3D में आपको दिखाने वाला हूँ कि स्केचअप 3D में ये इस घर का व्यू कैसा आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी इस चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।